भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। एक धोखा है। और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था, हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म धर्म नहीं है। और अभी एक दो महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू धर्म को लेकर जहर उगला है। उन्होंने दिल्ली में कहा कि हिंदू एक धोखा है। वैसे भी 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की एक शैली है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी दो बार कह चुके हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की कला है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। जब ये लोग ऐसे बयान देते हैं तो भावनाएं आहत नहीं होती, लेकिन अगर यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं तो पूरे देश में भूचाल मच जाता है। ऐसा पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले भी वह हिंदू धर्म पर विवाद बयान दे चुके हैं। मां लक्ष्मी और रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर भी चर्चा में आए थे। बीते महीने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने माता लक्ष्मी पर विवादित बयान दिया था और कहा था कि दुनिया में कहीं भी चार हाथ वाले बच्चे पैदा नहीं होते तो माता लक्ष्मी कैसे हो गई। इससे पहले उन्होंने हरदोई में मौर्य के निशाने पर हिंदू राष्ट्र के हिमायती और सवर्ण रहे किसी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा था कि जिसको तुम हिंदू राष्ट्र बोलते हो वे भारत राष्ट्र शापित है। ये भारत कभी भी ना हिंदू राष्ट्र था और ना है और ना रहेगा। इसीलिए हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले देश विरोधी हैं। रामचरितमानस पर बिहार के एक मंत्री की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया था। सपा नेता ने कहा था कि रामचरितमानस में दलितों और महिलाओं का अपमान किया गया। तुलसीदास ने ग्रंथ को अपनी खुशी के लिए लिखा था, करोड़ों लोग इसे नहीं पढ़ते। इस ग्रंथ को बकवास बताते हुए कहा कि सरकार को इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। सपा नेता ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में मानस के एक अंश को उद्धत करते हुए कहा था कि ब्राह्मण भले ही दुराचारी अनपढ़ हो लेकिन वे ब्राह्मण हैं, उसको पूजनीय कहा गया है, लेकिन शूद्र कितना भी ज्ञानी हो उसका सम्मान मत कीजिए। मौर्य ने सवाल उठाया था कि क्या यही धर्म है, जो धर्म हमारा सत्यानाश चाहता है उसका सत्यानाश हो। उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला बोलते हुए कहा था कि धर्म के ठेकेदार ही धर्म को बेच रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री ढोंग फैला रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 11 जनवरी को बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला हिंदू धर्म ग्रंथ बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।